तो आज हम लोग कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। इसी मैनिंग पार्क करके एक जगह है, वहाँ पे हमारी कैंप साइट है, तो वहाँ पे हम 2 दिन रहने वाले। पर कहानी में ट्विस्ट ये है कि वेदर बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी है, तो बारिश हो सकती है। मैंने बोला ना कि बारिश होने वाली है, तो ये देखो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। कुछ दिनों पहले हमने जो समर पे ब्लॉग बनाया था वो इंद्रदेव को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने बोला ये लो अब करो कैंपिंग। हम बादलों के एकदम बीच में से जा रहे हैं। अभी मेरे पास ड्रोन होता ना तो मैं आपको दिखा था कि कितना अच्छा व्यू है, पर आप लोग वीडियोस देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और शेयर नहीं करते हो, तो कहाँ से आएगा ड्रोन? तो जल्दी से करो तो नया ड्रोन आए। तो अभी फाइनली हम लोग कैंप ग्राउंड पहुंच चुके हैं और अभी 11:30 हुए, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, हमारा रिजर्वेशन हमारे पास ही है। पर अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो सबसे पहले हम खाना खाएंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। मैंने आपको बोला ना कि थोड़ा क्लाउडी वेदर है, तो क्लाउडी वेदर होने की वजह से टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत डाउन है, तो 10-12 डिग्री टेम्परेचर है। पर कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आके कैंप फायर कर सकते हैं तो सारी ठंडी चली जाएगी, बट अब नहीं कर सकते। रीज़न इज़ कि यहाँ पे इन लोगों ने ये बंद कर दिया है और उन्होंने बैन कर दिया कैंप फायर को 2 दिन पहले से, मतलब 8 जून से अभी आप कैंप फायर नहीं कर सकते। और इसका रीज़न है ये सारे पेड़। ब्रिटिश कोलंबिया में इतने सारे जंगल है कि यहाँ पे फॉरेस्ट फायर ऑलमोस्ट हर समर में होता ही है। तो अभी जो न्यूयॉर्क और ओंटेरियो में जो एटमॉस्फेयर है वो यहाँ पे बहुत ही कॉमन है, मतलब हर साल ऑलमोस्ट होता है। मैंने नहीं देखा अभी तक क्योंकि मेरे को यहाँ पे 1 ही साल हुआ है, बट बाकी सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो नेचुरली फॉरेस्ट फायर को तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन मैन मेड फॉरेस्ट फायर को अवॉइड करने के लिए कैंप फायर को बैन कर देते हैं। तो भैया अभी हम यहाँ पे ट्रैक करने के लिए निकले हैं और यहाँ पे कोई खास व्यू है नहीं, थोड़ा सा पानी है, पत्थर है, पहाड़ है, पेड़ है, देख लो आप खुद ही अगर अच्छा लग जाए तो। कमाल करते हो पांडे जी, बहुत ही बेहतरीन जगह है यार। तुम्हें कैसी लग रही है जगह? बहुत सूदिंग है। अभी शॉट लेते लेते मेरा फोन पानी में गिर गया, वो तो ठीक है लेकिन अभी वो बह जाता तो मुश्किल से रिकवर हुआ है फोन। तो भैया हम यहाँ से निकले थे और चलते चलते हम यहाँ तक पहुँच चुके। अब यहाँ से 2 जगह पे हम जा सकते हैं, एक तो ये मैनिंग पार्क रिसोर्ट जहाँ पे नहाने के लिए पुल वुल सब रहेगा, लेकिन हमारे पास कपड़े हैं नहीं तो हम वहाँ पे नहीं जाना चाहते, तो इसलिए हम ये लिटिल मड़ी ट्रेल पे जाएंगे जहाँ पे लेक मिलेगा हमको, तो वहाँ पे अच्छे से बैठ के टाइम पास हो सकता है। और जब तक मैं आपको ये समझा रहा था, मेरी बीवी आगे निकल गई है, अब उसको मेरे को ढूंढना है। वो रही आगे, वो देखो वो अपने हिसाब से जा रही है, उसको मेरी कोई पड़ी नहीं है। तू अब तेरे रास्ते, मैं मेरे रास्ते, वैसा है। गाड़ी मेरे को ही चला के जानी है, ऐसे ही चला जाऊंगा मैं।
भैया चलते चलते सांस फूलने लगी है, और यहाँ से दो लोग जा रहे थे, हमने उनको पूछा कि आगे जाके क्या है, तो बोलते आगे जाके कुछ नहीं है, बट उससे आगे जाके अगर आप टर्न लोगे तो दो लेक मिलेंगे आपको, तो वो व्यू अच्छा है, तो उसके लिए ये सारी मेहनत हो रही है, देखते क्या है आगे। अभी बारिश शुरू हो गई है तो इसलिए हमने ये पोंचो पहन लिया है। बहुत बड़ा ये, इसमें दो आ सकते हैं, बस सर दो होने चाहिए। हम दो घंटे से चल रहे बारिश में पोंचो पहन के, पर पता नहीं क्यों चल रहे थे, अब पता चला कि हम क्यों चल रहे थे भैया, इसकी वजह से। तो भैया वो लेक देख के हम दूसरे लेक को देखने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है लाइटनिंग लेक, तो उसके लिए थोड़ा और चल के जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में इससे होके गुजरना पड़ेगा, और जाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शूज़ वाटरप्रूफ नहीं है, और प्लस ये पानी भी बहुत ज़्यादा गंदा है, तो क्या करना है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने समर पे व्लॉग बनाया था, अभी मैं विंटर पे व्लॉग बना रहा हूँ, दो दिन में। ये है कनाडा का वेदर, सॉरी टेक टू। अभी कुछ दिनों पहले मैंने समर पे व्लॉग बनाया था, अभी मैं मॉनसून पे व्लॉग बना रहा हूँ। फाइनली भैया हम पहुँच चुके हैं हमारे कैंप ग्राउंड पे, 5-6 घंटे से चल रहे हैं, और पैरों की बैंड बज गई है, इसलिए नहीं क्योंकि ट्रैक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, इसलिए बिकॉज ये शूज़ ट्रैकिंग शूज़ साथ नहीं दे रहे थे। मैंने अभी बोला था ना कि शॉट लेते हुए फ़ोन पानी में चला गया था, ये लिक्विड डिटेक्टेड, अब ये चार्ज भी नहीं हो रहा है ठीक से, इसमें से पानी निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो भैया बात ऐसी है कि हमको और गाड़ी को दोनों को भूख लगी है, बट फ़र्क इतना है कि हम रेस्टोरेंट तक रुक सकते हैं, पर गाड़ी का पता नहीं है, गाड़ी में सिर्फ 40 किलोमीटर ही जाएगी गाड़ी, और यहाँ से जो नज़दीक में सिटी है वो भी कुछ 40-45 किलोमीटर दूर है, तो आई होप कि ये पेट्रोल पम्प तक पहुँच जाए, और वैसे जिस सिटी में जा रहे हैं उसका नाम भी होप है, तो लेट्स होप कि होप तक पहुंच जाए हम, तो गाड़ी में पेट्रोल आ जाएगा। चालू हो गया, तो खाना हो गया, पीना हो गया, फोन भी चालू हो गया। अब बुद्धे की बात यह है कि हम वापस कैंप ग्राउंड नहीं जा रहे, और हमने सोचा हम डायरेक्टली घर ही चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ से वापस 50-60 किलोमीटर जाना पड़ेगा, और यहाँ से घर 100 किलोमीटर है, तो बेहतर है घर ही चले जाते हैं, क्योंकि कल सुबह उठ के तो जाना ही है घर, तो फिर सोने के लिए क्यों वहाँ पर जाएँ। हाँ सुबह एक दो जगह पर आप जा सकते हो, बट वो हम कभी और दिन रखेंगे, तो इसलिए अभी हम सीधा घर पर जाके